बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मदरसों के खिलाफ NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में मदरसों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान NCPCR आयोग ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है और ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करती है। NCPCR ने ये भी कहा कि मदरसों में इस्लाम को सर्वोच्च माना जाता है और इस्लाम की शिक्षा को ही प्रमुखता दी जाती है। आयोग ने यह भी दावा किया कि तालिबान उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद मदरसे की धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित है और इसे अदालत को लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया था। अदालत का मानना था कि मदरसों की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों और धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। 5 अप्रैल को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अपनी दलील में NCPCR ने कहा कि मदरसे शिक्षा के लिए सही स्थान नहीं है और इनकी कार्यप्रणाली शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ है। आयोग ने यह भी कहा कि इन अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना न केवल उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि उन्हें कानून के सामने समानता के अधिकार से भी वंचित करता है। इसके अलावा आयोग ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम को उन बच्चों के लिए हानिकारक बताया जो औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली से बाहर है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को न केवल औपचारिक शिक्षा से बल्कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिए जाने वाले लाभों से भी वंचित रखा जा रहा है। आयोग ने मदरसा बोर्ड की पुस्तकों का अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इन किताबों में इस्लाम को सर्वोच्चता की शिक्षा दी जा रही है। आयोग ने अपनी दलीलों में यहाँ तक कहा कि दारुल उलूम के फतवे गजवाए हिंद जैसी विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं जो बच्चों के मन में अपने देश के प्रति नफरत पैदा कर सकते हैं। आयोग ने बताया कि चूंकि मदरसे शिक्षा के अधिकार यानी कि RTE कानून के दायरे में नहीं आते हैं इसीलिए यहाँ पढ़ने वाले बच्चे न केवल औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं बल्कि उन्हें मिड डे मील यूनिफॉर्म और प्रशिक्षित शिक्षकों जैसी आवश्यक सुविधाएं भी नहीं मिलती। मदरसों में धार्मिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है जबकि मुख्य धारा की शिक्षा में उनकी भागीदारी बहुत कम होती है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने मार्च 2007 में NCPCR की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NCPCR ने कहा है कि मदरसों में बच्चों को एक सख्त धार्मिक पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए मजबूर भी किया जाता है। इसके कारण वो मुख्य धारा के एजुकेशन सिस्टम तक नहीं पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये दावा किया था कि राज्य की ओर से मदरसों को सालाना करीब 1098 करोड़ रुपए की मदद दी जाती है। ये मदद मदरसों को जारी रहेगी या नहीं कोर्ट ने इस पर कोई निर्देश नहीं दिया है। फिलहाल NCPCR की कोर्ट में दी गई दलीलों ने मदरसों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।